गाइस, hey आज हम करेंगे क्लास नाइन साइंस ओलंपियाड चैप्टर इलेवन वर्क एंड एनर्जी पार्ट थ्री तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन से अ ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी फ्रॉम ए हाइट इज तो हमें करेक्ट ग्राफ बताना है जो कि दिखाता है टोटल एनर्जी को एक फ्री फॉलिंग बॉडी की तो जब कोई बॉडी फॉल करेगी तो उसकी हाइट हमारी रिड्यूस होगी हाइट रिड्यूस होने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारी कम होगी लेकिन इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी इंक्रीज़ होगी स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज़ होगी तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में तो जो टोटल एनर्जी है फ्री फॉलिंग बॉडी की वो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हाइट के साथ साथ टोटल एनर्जी हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड एनसीलैक द करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेटमेंट सेकेंड है वो फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन है तो स्टेटमेंट फर्स्ट में लिखा हुआ है अगर रॉकेट हमारा एक्सप्लोड हो मिड एयर में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट जब हमारा रॉकेट एक्सप्लोड होगा मिड एयर में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी जो हमारा रॉकेट का मोमेंटम है वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा मोमेंटम हमारा इसीलिए कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि हमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई रॉकेट पर रॉकेट हमारा एक्सप्लोड हुआ है इंटरनल फोर्सेस के कारण तो मोमेंटम रहेगा हमारा कॉन्स्टेंट और जब रॉकेट हमारा एक्सप्लोड होगा तो वो हमारा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा यानी कि उसका मास कम होगा तो हर एक फ्रेगमेंट का जो मास है वो हमारा कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज हो जाएगी जो रॉकेट के अंदर फ्यूल होगा उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में जिससे कि जो फ्रेगमेंट्स हैं उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो इसके बाद स्टेटमेंट सेकेंड केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल प्रोवाइड्स एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू द फ्रेगमेंट्स तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है फ्यूल की जो केमिकल एनर्जी है उससे मिलेगी काइनेटिक एनर्जी फ्रेगमेंट्स को तो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारी करेक्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें बताया गया है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेटमेंट टू में बताया गया है काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होगी केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट होने से तो दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट और स्टेटमेंट नंबर सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट तो बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर सेकेंड है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट की तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्टीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स तो हमें बताना है ट्रू और फॉल्स सबसे पहले है फर्स्ट वेन ए बॉडी इज थ्रोन अप इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेज इन टू पोटेंशियल एनर्जी तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू जब हम एक बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी और काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी और जो उसकी हाइट है वो हमारी इंक्रीज़ होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी इंक्रीज होगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं इसके बाद है सेकेंड जब हम एक बॉडी को गिराते हैं सर्टेन हाइट से तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है ये है हमारा फॉल्स। जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराएंगे तो उसकी हाइट हमारी कम होगी तो हाइट कम होने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी कम होगी लेकिन इसमें लिखा गया है रिमेंस द सेम तो यह स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स इसके बाद है थर्ड अगर हमारे पास दो मासिस हैं जो कि अन है यानी कि एक मास ज़्यादा है और दूसरा कम है और उनका सेम मोमेंटम है तो जिसका मास हैवी है उसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों का मोमेंटम सेम है तो लाइटर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और हैवियर ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो ये स्टेटमेंट है ट्रू तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ट्रू फॉल्स ट्रू इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट एच इज इज इक्वल टू एम जी एच दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली इफ किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारी इक्वल होती है एम जी एच के ये इक्वेशन हमारी ट्रू है अगर सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट हो तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारी एम होगी अगर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी कॉन्स्टेंट हो जो हमारा एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये हमारा हाइट के साथ साथ रिड्यूस होता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है जी की वैल्यू हमारी रिड्यूस होती है लेकिन जो हमारी इक्वेशन है इसमें जो हमारी हाइट है ये हमारी कॉन्स्टेंट है और हाइट कॉन्स्टेंट होने के साथ साथ जो जी की वैल्यू है वो भी हमारी कॉन्स्टेंट हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी इस हाइट पर तो ये इक्वेशन हमारी ट्रू है अगर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट है उस हाइट पर तो ये स्टेटमेंट है ट्रू इसके बाद है सेकेंड द पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ डिपेंडेंट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी पाथ डिपेंडेंट हो तो ये स्टेटमेंट है हमारी फोर्स इस इक्वेशन के अंदर हमें दिया गया है हाइट और जो हमारी हाइट है वो हम निकालते हैं इनिशियल से लेकर फाइनल तक तो हाइट हमारी डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के पाथ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं एक का पाथ है कुछ इस तरह और दूसरे का पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट तो जो ग्रेविटी का वर्क होगा वो दोनों में सेम होगा जो कि होगा एम जी एच तो इस पॉइंट पर जो हाइट है वो दोनों की सेम होगी चाहे उनका पाथ डिफरेंट हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती ये इनडिपेंडेंट होती है तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमारे पास है एक स्कीयर जिसका मास है फिफ्टी के और जो हमारा स्कीयर है ये खड़ा होता है पॉइंट पी पर वहाँ से ये स्की करना स्टार्ट करता है और ये आता है पॉइंट क्यू पर तो यहाँ से उसने स्की करना स्टार्ट किया और वो आया पॉइंट क्यू पर अगर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक उसका अगर हम हाफ़ करें यानी कि 50 परसेंट करें वो हमारा इक्वल होगा क्यू पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसके तो हमें बतानी है स्कीयर की विलोसिटी तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है चेंज पोटेंशियल एनर्जी में और जो हमारे पॉइंट्स है वो हैं हमारे पी और क्यू तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं पॉइंट पी की पॉइंट पी की पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच मास है हमारा फिफ्टी के जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है टेन हाइट है हमारी सिक्सटी मीटर तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हमारी थर्टी थाउजेंड अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं Q की Q की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी एच मास है फिफ्टी के जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है टेन मल्टीप्लाई बाय हाइट है हमारी ट्वेंटी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी टेन थाउजेंड तो Q की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है हमारी टेन थाउजेंड हमें निकालना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इन दोनों का डिफरेंस तो इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा ट्वेंटी थाउजेंड ये जो हमारा ट्वेंटी थाउजेंड है ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में हमें बताया गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फिफ्टी परसेंट हमारा काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है क्यू पर तो इसका करते हैं फिफ्टी परसेंट यानि कि हाफ हमें मिलेगा टेन थाउजेंड तो टेन थाउजेंड काइनेटिक एनर्जी है हमारी क्यू पर क्यू पर टेन थाउजेंड काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर जो कि इक्वल है टेन थाउजेंड के तो जो हमारा वी स्केयर होगा वो हमारा इक्वल होगा टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन जो हमारा मास था वो है हमारा फिफ्टी के जी तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा फोर हंड्रेड तो वी हमारा इक्वल होगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड के जो कि हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड